एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बार फिर से शोक की लहर दौड़ पड़ी है। एक और सितारे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। दरअसल हाल ही में एक और दुखद खबर सामने आई है। तमिल टीवी एक्टर इंद्र कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि इंद्र कुमार ने खुद की जिंदगी का ही अंत कर लिया। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि हाल ही में इंद्र कुमार अपने दोस्त के घर उनसे मिलने पहुंचे थे। चेन्नई में अपने दोस्त के घर मिलने पहुंचे थे इंद्र कुमार, लेकिन अपने दोस्त के घर पर इंद्र कुमार ने खुद की जिंदगी का ही अंत कर दिया। इतना ही नहीं, जैसे ही दोस्त को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस इस केस की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंद्र कुमार के दोस्त ने इस बात की जानकारी दी है कि इंद्र कुमार बुधवार की शाम को अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गए थे और उसके बाद अपने दोस्त के घर पर अकेले थे, और जब दोस्त ने अगली सुबह कमरे का दरवाजा खटखटाया तो इंद्र कुमार ने दरवाजा नहीं खोला, और इसके बाद उनके दोस्त ने दरवाजा खोला तो उस दौरान इंद्र कुमार इस दुनिया में नहीं थे। देखा जाए तो इंद्र कुमार के इस बड़े कदम ने सभी को हैरान कर दिया है। आखिरकार इंद्र कुमार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसका अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। पुलिस इस केस की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुके थे इंद्र कुमार। वहीं इंद्र कुमार शादीशुदा थे और उनका एक बच्चा भी था। जहां एक ओर इंद्र कुमार ने खुद की जिंदगी को खत्म किया है, तो वहीं बीते साल 2020 में बॉलीवुड के मशहूर स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। खुद की जिंदगी का अंत कर दिया सुशांत सिंह राजपूत ने। वहीं बीते कुछ दिनों पहले ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुके फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में नजर आ चुके एक्टर संदीप नाहर ने भी बीते कुछ दिनों पहले ही अपनी जिंदगी का अंत कर लिया। लेकिन अब इंद्र कुमार इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।